वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। बेटा आज हम लोग एएमपीएम का फुल फॉर्म जानेंगे, ओ क्लॉक क्या होता है वो जानेंगे, बहुत रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर एएमपीएम ओ क्लॉक अंग्रेजी बोलने में कहाँ यूज करेंगे। तो अंग्रेजी बोलो, लिखो, पढ़ो, सोचो, कुछ भी करो, एएमपीएम से आज आपसे क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया था एएमपीएम से, ओ क्लॉक से, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आज देखते हैं फटाफट हम लोग एक एक करके कि आखिर एएम और यहां बात करें हम पीएम और ओ क्लॉक का, बहुत ही आराम से पढ़ते हैं कि आखिर ये तीनों में अंतर क्या है, क्या तीनों सेम है या तीनों में कुछ अलग अलग चीजें हैं, एएमपीएम और ओ क्लॉक। हम गौर से देखते हैं, मेरे साथ आप बस देखो अंग्रेजी बोलने में कहां यूज हो रहा है, राइटिंग में कहां और हर चीज में कहां यूज होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप एक बार मेरे साथ देखो एएमपीएम और ओ क्लॉक। सबसे पहले बात करें हम एएम का, आराम से देखते हैं एक एक पार्ट। एएम को हम बेटा फुल फॉर्म में कहते हैं एंटे मेरिडियन या फिर एंटे मेरिडियम, या तो मेरिडियन बोलो या तो मेरिडियम बोलो, दोनों एक ही चीज है, एंटे मेरिडियम, एंटे मेरिडियन। एम है क्या सर? तो ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब एम इज अ लैटिन वर्ड, एक एक चीज को मैं छान कर लाया हूं। एम जो है एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है बिफोर नून। बिफोर नून का मतलब क्या सर? दोपहर से पहले। इसका मतलब कि इसको तुम सुबह कह सकते हो, इसको तुम सुबह कह सकते हो, एम को इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हो, यानी इसका यूज कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, किसी भी टेंस में कर सकते हो। अब मैं तुम्हें 10-20 एग्जांपल देता हूं, पहले मैं सिखा रहा हूं एम, फिर पीएम, फिर ओ क्लॉक। तो एम का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो मन करे बोल सकते हैं। देखते हैं करके, अभी थोड़ा देखो, ये लिख लिया सबने, लिखो, स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे देखो फटाफट। तो हमने कहा कि एम का प्रयोग करें बिफोर नून, सुबह। खैर कहां लगाएंगे सर? तो देख लो कहां प्रयोग करेंगे, रात के कितने बजे से? 12 बजे से। रात के 12 बजे से दिन के 11:59 तक, रात के 12 बजे से दिन के 11:59 तक, 59 सेकंड तक क्या लगा देना? एम का प्रयोग। जैसे तुम्हें बोलना हो, तुमने अगर बोल दिया 9 AM, इसका मतलब हुआ सुबह के 9 बजे। तुमने कर दिया 9:30 AM, इसका मतलब सुबह के 9:30 बजे। तुमने कर दिया 4 AM, इसका मतलब हुआ सुबह के 4 बजे। तुमने कर दिया 4:15 AM, इसका मतलब सुबह के 4:15 बजे। ये बात हो गया। अब सेंटेंस में सर ये समझ में आ गया, तो रात के 12 बजे से लेकर दिन के 11:59 तक क्या लिखोगे? AM। यानी इन सब के लिए क्या प्रयोग करोगे? AM। यहां 12 बजने के बाद 11:59 तक। अब सेंटेंस बना के दीजिए सर, देखो गौर से, सेंटेंस जितना मर्जी करो। जैसे हमने कहा कि वह आएगा कितने बजे आएगा? सुबह 4 बजे आएगा, तो ही विल कम एट 4 AM। कब आएगा? सुबह 4 बजे आएगा, ही विल कम। हमने कहा शी विल कम एट 9 AM, वो सुबह के 9 बजे आएगा। तो जो मन करो आप अंग्रेजी बोलो, आई विल मीट यू एट 4 o'clock, आई विल मीट यू एट 4 AM, आई विल मीट यू एट 9 AM, आई विल मीट यू एट 8 AM, ही विल कम हेयर एट 5 AM। तो वट एवर कम्स योर माइंड, AM का मतलब बेटा सुबह, यानी कि ये सुबह आएगा, 9 बजे सुबह आएगा, 4 बजे सुबह आएगा, तो इसके लिए क्या प्रयोग करोगे आप? AM का। बोलो कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ो। तो हाँ हमने एम कंप्लीट किया, अब बात करते हैं हम पीएम का। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि एम पीएम क्या है, कहां यूज करते हैं। ये बहुत ही बेसिक है, राइटिंग में स्पोकन में हर जगह यूज होता है। देखते हैं गौर से फटाफट पीएम क्या होता है। पीएम को हम कहेंगे पोस्ट मेरिडियम, या फिर कह सकते हो पोस्ट
मेरिडियन, या तो पोस्ट मेरिडियम कहो या मेरिडियन को, एक ही चीज है। एक्चुअली कुछ बच्चों ने कहा कि सर मेरिडियम बोले कि मेरिडियन बोले, तो जो मन करता है बोलो ना, गलत नहीं हुआ कुछ भी। सेकंड थिंग देखो गौर से, यहां हमने कहा इसका मतलब क्या होता सर, तो इसका मतलब बेटा होता है आफ्टरनून, आफ्टरनून, तो आफ्टर का मतलब हुआ दोपहर, दोपहर के बाद। अब दोपहर के बाद क्या होता भाई, तो ध्यान देना, दिन के 12 बजे से रात के 11:59 तक, क्योंकि अगर 12 बजेगा तो फिर एम हो जाएगा, अगर 12 बजा तो भी एम हो जाएगा, तो दिन के 12 बजे से रात के 11:59 तक क्या बोलोगे, पीएम। इसके लिए क्या प्रयोग करोगे, पीएम। अगर तूने कहा कि 9 PM में मिलूंगा, मतलब रात के 9 बजे तुमने कहा 4 PM मिलूंगा, तो शाम के 4 बजे तुमने कहा 1 PM मिलूंगा, तो दोपहर के 1 बजे अगर मान लो तुमने कहा 4 AM मिलूंगा, तो सुबह के पीएम बोला तो शाम के, इसका मतलब कि इसका मतलब होता है शाम, एम का मतलब सुबह, पीएम का मतलब शाम। यहां तक बोल बेटा समझ में आ गया, एग्जाम्पल 2-4 कर लेते हैं। जैसे मैं तुमसे कल शाम में मिलूंगा, तो कह सकते हैं आई विल मीट यू शाम में, कितने बजे मिलूंगा, 5 बजे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू एट 5 PM टूमोरो। ठीक है बेटा, तुम मेरे पास अगले महीने 4 बजे आओगे, तो यू विल कम टू मी एट 4 PM नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो हमने कहा यू विल कम टू मी एट 4 PM, मतलब शाम में मिलोगे बेटा तुम हमसे, तो शाम का मतलब पीएम और सुबह का मतलब एम, लेकिन ध्यान रखना कितने बजे तक, कितने बजे तक। ठीक है, यहां क्वेश्चन देख लिया, यहां पर जितने एग्जाम्पल बोलो, मान लो तुम बोला 9 PM, आई विल मीट यू एट 9 PM, आई विल मीट यू एट 8 AM, ही विल कम हेयर एट 4 PM, 3 PM, 5 PM, जो बोलोगे उसका प्रयोग आराम से आप कर सकते हो, AM PM में कोई प्रॉब्लम। आगे देखो, ये पूरे पता है क्या करना है आपको, अगर सिस्टमेटिक वीडियो पढ़ना है ना, एक चाहते हो कि बेसिक्स एडवांस पढ़ लेना, तो दिल्ली आ जाओ और एक आराम से सिस्टमेटिक बैच करते हैं 0 से एडवांस तक। नंबर 2, अगर आप चाहते हो कि दिल्ली नहीं आ सकते, घर बैठे पढ़ना चाहते हो, तो आप अपने मोबाइल में अभी गूगल में सर्च करो dslenglish.com और एक सिस्टमेटिक क्लास ले लो, बेसिक से एडवांस क्लास। कुछ भी नहीं आता है आप सीखोगे, आप बेहतर कर सकते हो। स्पीकिंग करना चाहते हो इसके थ्रू करो, राइटिंग करना चाहते हो इसके थ्रू करो, जैसे भी चाहे आप देखो। अब देखते हैं ओ क्लॉक क्या होता है, फटाफट एक एक पार्ट सीखते हैं। ओ क्लॉक क्या होता है भाई, तो ओ क्लॉक का मतलब बेटा हुआ ओ क्लॉक। अब फिर तीनों में अंतर भी दिखाऊंगा। ओ क्लॉक का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्लॉक, या फिर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर, यानी अकॉर्डिंग टू एन आवर, अकॉर्डिंग टू आवर, आवर मतलब क्या हुआ घंटे के समय से, यानी कि ओ क्लॉक का प्रयोग आप कर सकते हैं कहां भाई, तो अकॉर्डिंग टू क्लॉक, अकॉर्डिंग टू आवर, यानी इसका मतलब सुबह शाम नहीं होता, सुबह या शाम नहीं होता, इसका मतलब होता है घड़ी का, तुम जितने बजे बोलो ये शो करेगा आवर को, आवर का मतलब हुआ एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम का मतलब हुआ कि ये घंटे को शो करेगा 10 hour 2 hour, यानी आवर को शो, अकॉर्डिंग टू आवर, अकॉर्डिंग टू क्लॉक, क्लॉक का मतलब हुआ घंटा, यानी आपको बोलना हो 4 o'clock तो बोलो बेटा 4 o'clock, यानी 4 बजे, कितने बजे 4 बजे। अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं, पहले समझना इसको गौर से, यानी ओ क्लॉक का मतलब हुआ एग्जैक्ट टाइम, हमने कहा कि आई विल मीट यू, समझना गौर से, आई विल मीट यू एट 4 PM, इसका मतलब हुआ शाम, हमने कहा 4 AM, इसका मतलब हुआ सुबह, अब हम बोले कि आई विल मीट यू एट 4 o'clock, राइट, अंतर समझे, आई विल मीट यू एट 4 o'clock, अब हमने कहा कि मैं तुमसे शाम में मिलूंगा 4 बजे 4 PM, सुबह मिलूंगा 4 AM, अब मिलूंगा 4 बजे मिलूंगा, अब कौन सा 4 बजे, तो इसका मतलब हुआ ओ क्लॉक, मतलब शार्प, यानी शार्प 4 बजे तुमसे मिलूंगा, तो एग्जैक्ट 4 बजे मिलूंगा 4 o'clock, ये जब हम बोल रहे हैं, जैसे तुम वीडियो अभी देख रहे हो, हमने कहा 4 बजे, तो जब अगला 4 बजेगा
तभी तुमसे मिलूंगा, यानी अगला चार सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, तुम कब बोल रहे हो ये हो सकता है। तो आई विल मीट यू एट 4 o'clock, मतलब शार्प 4 बजे, ये सुबह शाम मतलब नहीं है। अगर सुबह शाम बोलना है तो AM PM का प्रयोग करें या फिर इन द मॉर्निंग का प्रयोग करें। आई विल मीट यू एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, आई विल मीट यू एट 4 o'clock इन द इवनिंग। सुबह बोलना है तो इन द मॉर्निंग, शाम बोलना है तो इन द इवनिंग। तो ओ क्लॉक का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्लॉक। अभी और देखते हैं एग्जाम्पल कर करके। यहाँ पे बेटा बेसिक से सीखना है, बेसिक से एडवांस। तो हमने बात करा कि यहाँ पे संदेश देखना, हमने एग्जांपल दिया कि आई विल मीट यू एट 4:30 PM राइट है। हमने कहा 4:30 AM राइट है। अब यहाँ पे कहना है मेरा कि आई विल मीट यू, एग्जाम में पूछा गया है आई विल मीट यू एट 4:30 o'clock। अब बताना बच्चे कि 4:30 o'clock बोलो अकॉर्डिंग टू आवर है, नहीं ना, ये 4:30 वेरिएबल है, ये टाइम क्या वेरी कर गया, ये आवर नहीं है, घंटा नहीं। हम लोगों को आवर प्रयोग करना है, 4 बजे 2 बजे 3 बजे 1 बजे, तो एग्जाम्पल तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो आई विल मीट यू एट 4:30 o'clock नहीं कह सकते, AM PM तो कह सकते हैं, लेकिन 4:30 o'clock नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये आवर नहीं है। आवर जहां बोलना होगा वहीं पे ओ क्लॉक आएगा। ओ क्लॉक मतलब शार्प। एग्जाम में कई बार पूछा है, इसको आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लें बहुत तरीके से। एग्जाम्पल और देखो, हमने मान लो कहा कि वह 4:30 बजे आएगा, हमने कहा ही विल कम हेयर, ही विल कम हेयर, और देखो साफ लिख रहा हूं, ही विल कम हेयर एट, वह मेरे पास आएगा, ही विल कम एट, हमने यहां बोलना चाहते हैं 4:30 बजे आएगा, तो 4:30 o'clock, हमने कहा 5:30 o'clock, 5:15 o'clock, ये बेटा सब गलत हो जाएगा, क्योंकि ओ क्लॉक का प्रयोग, ओ क्लॉक का प्रयोग आप किसी वेरिएबल टाइम के साथ नहीं कर सकते। आप चाहे तो एम लगा सकते हैं, आप चाहे तो पीएम लगा सकते हैं, लेकिन ओ क्लॉक का प्रयोग करना गलत होगा बेटा। इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है बच्चे, तभी आप सीख पाओगे। तो ही विल कम हेयर एट 4 o'clock, ही विल कम हेयर एट 5 o'clock, आप प्रयोग जो मर्जी हो इसका यूज करो। आई विल कम हेयर एट 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock। अब यहां पे ओ क्लॉक आप लिख सकते हो, ठीक है। ओ क्लॉक लिखते हो, आई विल, ही विल कम हेयर एट 4 o'clock, ही विल कम हेयर एट 5 o'clock, ही विल कम हेयर 7 o'clock। अभी ओ क्लॉक का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू आवर, अकॉर्डिंग टू क्लॉक। तो यहां पे हम लोग ओ क्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उन बच्चों को बताइए जिनकी आवश्यकता है, उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको ओ क्लॉक, AM PM, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, UPSC, SSC, CPO सारे एग्जाम में। तो इसको कवर करके और सारे भारत में एक बार फिर से इसको दिखाइए और हर बच्चे को ज्ञान मिलना चाहिए एम का, पीएम का, ओ क्लॉक का। थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स, थैंक्स लॉट।